गाइस लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों को याद होगा कि कैसे हम सभी लोगों ने उस ब्लैक गॉड और उस रेड गॉड को हराने के लिए आइस गॉड से एक सलाह मांगी थी। आइस गॉड ने बोला कि एक ब्लैक सुपर हीरो को बुला लो, इसलिए हमारे शिनचैन ने ड्राइंग की मदद से वेनम को बना के रेडी कर दिया, जो कि रियल लाइफ में आ गया। लेकिन गाइस इस वेनम का साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा था, इसलिए इसके साइज और इसकी पावर्स को इंक्रीज करने के लिए हमारे आइस गॉड ने सजेस्ट किया कि हमें एक मैजिकल पत्थर की जरूरत पड़ेगी, जिससे हमने इसके साइज को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। और गाइस अब इसके पास काफी खतरनाक शक्तियां और पावर्स हैं, और साथ में इसका साइज भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो आइस गॉड अब फटाफट से हमें बता दे कि हम लोगों को करना क्या है, जिससे कि वो ब्लैक गॉड और वो रेड वाला लावा गॉड जो उसका छोटा वाला भाई है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। देखो फ्रैंकलिन, तुम्हें अब इस वेनम की सारी शक्तियों को उस ब्लैक गॉड और उस रेड गॉड पर यूज करना होगा, जिससे कि वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और तुम लोग ब्लैक गॉड के सिर के अंदर एंट्री करके उसे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइस अब हम फटाफट से वेनम को बोल देते हैं काम पे लगने के लिए। लेकिन गाइस एक चीज तो मैं भूल गया। अरे क्या भूल गए फ्रैंकलिन भैया? अरे मेरे को भी बताना क्या भूल गया। अरे गाइस वो आयरन मैन अभी भी मुसीबत में फंसा हुआ होगा, क्योंकि गाइस वो रेड वाले लावा गॉड से लड़ने गया था, और आप लोगों को याद होगा कि उस रेड लावा गॉड ने उसकी सारी की सारी शक्तियों को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे कि वो वहीं पे बेहोश हो गया था। तो उसे भी बचाने हम लोगों को जाना होगा। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं जाऊँ क्या? हाँ भाई तू तो रह नहीं दे शिनचैन। अरे भाई हमारा शिनचैन भाई इतना ज़्यादा बहादुर कब से हो गया? भाई तेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ दिमाग लगाता हूँ, और तब तक हमारा वेनम जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका है। अरे तुम बस बोलो, मेरे को जब तुम बोलोगे मैं उन दोनों खतरनाक गॉड्स की ऐसी की तैसी कर दूंगा, ब्लैक गॉड को भी छोड़ूंगा नहीं, ना ही छोड़ूंगा उस रेड लावा गॉड को। अरे वैसे ब्लैक गॉड तो बस एक पत्थर की मूर्ति है, तुझे तो मेन फाइट करनी है, वो करनी है तेरे को लावा गॉड से। चलो ठीक है, तुम बोलो तो मैं अभी चला जाऊं और उसकी बैंड बजा दूं। ठीक है अभी चला जा। गाइस मजा आने वाला है, आप लोग पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ। अरे हाँ मैं भी पॉपकॉर्न ले आता हूँ। अरे भाई इतनी बरसात में पॉपकॉर्न कौन लाएगा? अरे यार सैर कसम को समझता ही नहीं है ये। चल वेनम भाई तू फटाफट से रेडी हो जा और जा उस रेड लावा गॉड की बैंड बजा दे। अरे वाह, अब आएगा असली मजा, इन रेड लावा गॉड्स और ब्लैक गॉड्स को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, हमारा वेनम तो देखो यार कितना ज्यादा बड़ा है साइज में। बहुत मजा आएगा बहुत। अरे तू मेरी बात ध्यान से सुन। बोलो आइस गॉड। उन दोनों के सामने तुझे बड़े प्यार से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। मुझे सब पता है, मुझे किसी के सलाह की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि रेड गॉड लावा गॉड को कैसे हराना है। अरे मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं चला। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, ये तो यार आइस गॉड की बात ही नहीं सुन रहा। मैं किसी की बात नहीं सुनता, मैं अपने मन की बात सुनता हूँ। मेरे सामने जो भी आएगा चूर चूर हो जाएगा, सबको मैं खत्म कर दूंगा। बहुत मजा आएगा। अरे सुनो मेरी बात। अरे यार क्या हो गया, बार बार मेरे को क्यों बुला रहा है आइस गॉड? अरे मैं मौसम को थोड़ा ठीक कर देता हूँ, बरसात के मौसम में तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अरे ठीक है, मौसम को थोड़ा तू ठीक कर दे, उसके बाद मैं इस रेड लावा गॉड को ठीक कर दूंगा। मैं आ रहा हूँ। बहुत मजा आएगा। वेट, ये क्या है? इस कंस्ट्रक्शन वाले मशीन को मैं तोड़ दूंगा। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, ये तो यार तबाही मचाने लग गया। मेरे सामने जो भी आएगा एक ही पंच में तबाह हो जाएगा। मजा आ रहा है, मजा बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अब मैं इस रेड लावा गॉड को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा। ये रहा रेड वाला लावा गॉड। अरे तू आ गया। तू तो बेहद ही कमजोर, बहुत ही बेजान नकली वेनम है। क्या बोला, नकली वेनम? तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास बहुत खतरनाक शक्तियां हैं। शक्तियां तो तेरे पास और ना ही उस आइस गॉड के पास है। अरे वेट, उस आइस गॉड ने बोला था वो मौसम को थोड़ा चेंज कर देगा, अभी तक तो चेंज किया नहीं उसने। अरे आइस गॉड मौसम चेंज करना भाई। अरे मौसम फाइनली उसने चेंज कर दिया है। अरे तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे को खत्म कर दूंगा। अरे आइस गॉड मैं नहीं डरता किसी से, मैं फ्रैंकलिन और शिनचैन की
आर्मी से आया हूँ, मैं उनके साथ हूँ और मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मेरे को नहीं छोड़ेगा, मेरे पास खतरनाक लावा की शक्तियाँ हैं, ये देख दोनों हाथों में खतरनाक खतरनाक लावा की शक्तियाँ। लावा की शक्ति से मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अभी दिखाता हूँ मैं यानी कि वेनम कैसी कैसी शक्तियों का इस्तेमाल तेरे पे करेगा। तेरे पास कौन सी शक्तियाँ हैं? जो भी शक्तियाँ तू उनसे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे पास खतरनाक वाली गॉडज़िला की शक्तियाँ हैं। क्या बोला? गॉडज़िला की शक्तियाँ? क्यों निकल गई हवा? अभी दिखाता हूँ तेरे को। बहुत सारी शक्तियाँ है, ये ले अब तेरा काम तमाम। ये अरे अरे कुछ हो क्यों नहीं रहा? रुक जा, दूसरी शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। ये ले। हाँ, ये क्या कर दिया तूने? क्यों निकल गई हवा? कुछ हुआ नहीं। अब मैं दिखाऊंगा अपनी शक्ति। क्या हुआ? इसका कुछ हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि तेरे पास शक्तियाँ ही नहीं है। अभी मैं अपनी दूसरी शक्ति दिखाता हूँ तेरे को। ये देख, ये शक्ति। रुक जा, दूसरी वाली दिखाऊंगा। ये वाली शक्ति, एक सेकंड, दूसरी और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। मैं तेरे को अभी बताता हूँ। अरे नहीं, मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? अरे क्या हो गया मेरी शक्ति को? मेरे सामने तू कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तेरी सारी शक्तियों को मैंने सोख लिया है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लिया है। क्या बोला? मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरी इतनी हिम्मत। मेरे पास आएगा तो तू चूर चूर हो जाए। क्या बोला? रुक जा, आज तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ये ले, तेरे पैर को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लावा की शक्तियों में तू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अरे नहीं, ये तो हिल भी नहीं रहा, क्या करूं? अरे नहीं, इसने तो मेरी शक्तियों को खत्म कर दिया। नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। रुक जा, मैं अभी अपनी शक्तियों को रिस्टोर कर लेता हूँ। अरे नहीं, ये क्या कर दिया तूने? क्यों, पता चल गया कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है और किसके पास बिल्कुल भी शक्तियाँ नहीं है। अरे नहीं, इसने तो मीटियोर की शावर स्टार्ट कर दी, बचाओ। अरे नहीं, ये तो गरम गरम पत्थर की बारिश कर रहा है, बचाओ। रुक जा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अब मेरे पास खतरनाक गॉडज़िला के साथ साथ किंग की शक्तियाँ हैं। क्या बोला? किंग की शक्तियाँ? हाँ, किंग कॉन्ग की शक्तियाँ। अब मैं दिखाता हूँ तेरे को। बहुत मजा आएगा, अब मैं तेरे को दिखाऊंगा। अरे कौन सी शक्तियाँ, जल्दी दिखा। ये ले। तू इन सारी शक्तियों से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, लगता है यार हमारा वेनम हार रहा है। अरे नहीं, मेरे पास तो कोई भी शक्तियाँ है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं इसके पास जा रहा हूँ मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो जा रही हैं। मैं क्या करूँ, मेरे को निकलना पड़ेगा। एक सेकेंड, तब तक इस ब्लैक गॉड को मैं पकड़ के धो दूंगा। अरे नहीं, अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े मिट्टी और शावर की बारिश। अरे नहीं, ये छोटा वाला लावा गॉड जो है वो बहुत ही खतरनाक है, मेरे को भागना पड़ेगा। भागो। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, हमारा वेनम तो डर के भाग गया। अरे भाई, मेरे ख्याल से उसकी सारी की सारी शक्तियाँ उस रेड वाले लावा गॉड ने ले लिया। अरे हाँ, मेरे को भी ऐसे लगता है। भागना पड़ेगा, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो वो मेरी शक्तियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा और उसके बाद मैं भी खत्म हो जाऊंगा। नहीं, बचाओ। अरे आइस गॉड, तू ही बचा मेरे को, तू ही बचा सकता है। अरे मैंने तो बोला ही था कि तुम उसके सामने जाना तो बड़े चलाकी से काम लेना, लेकिन तुम उसके सामने एकदम से चले गए, जिससे कि उसने तुम्हारी सारी शक्तियाँ हमेशा हमेशा के लिए ले ली और खत्म कर दी। नहीं नहीं, मेरी शक्तियाँ वापस दे। अरे अब शक्तियाँ नहीं मिलेंगी। क्या क्या बोला? नहीं, बचाओ मेरी शक्तियाँ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, अब तो यार ये नाराज हो गया। मेरी शक्तियाँ मैं छोड़ूंगा नहीं, वो रहा लावा गॉड। अरे आइस गॉड, प्लीज मेरे को कुछ तो शक्तियाँ दे दे। अरे मैं तुम्हें शक्तियाँ नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास एक तरीका है, मैं वो तरीका तुम्हें बाद में बताऊंगा जिससे तुम्हारी शक्तियाँ वापस लौट जाएंगी। अभी के लिए तुम अपने दोस्तों के पास जाओ। अरे कहाँ हो तुम लोग फ्रैंकलिन? शिनचैन कहाँ हो तुम? अरे नहीं, ये तो वापस आ गया फ्रैंकलिन भैया, ये तो हरा ही नहीं पाया उसे। अरे हाँ शिनचैन, देख रहा हूँ यार, मेरे को भी काफी ज्यादा डर लग रहा है। मैंने भी देखा कि हमारा वेनम जो है उससे बिल्कुल भी फाइट कर नहीं पाया। अरे इसमें मेरी गलती नहीं थी, उसने मेरी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी हमेशा हमेशा के लिए। अरे यार शिनचैन, मेरे ख्याल से हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि गाइस वो रेड लावा गॉड सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो चाहता नहीं कि भाई हम ब्लैक गॉड को किसी भी तरीके से खत्म करें। अरे फ्रैंकलिन भैया, अब क्या हो गया? अरे यार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम आयरन मैन को ढूंढने चलते हैं। अरे नहीं, हमारा हल्क तो नीचे गिर गया। अरे यार कैसे गाड़ी चलाता है फ्रैंकलिन? अरे यार तू यही वेट करेगा? नहीं नहीं,
नहीं मैं भी चलूंगा तेरे साथ। ठीक है गाड़ी में बैठ फटाफट से। चलो गाइस लेट्स गो फटाफट से निकलते हैं और यहाँ से चलते हैं सीधा आयरन मैन को ढूंढने। अरे फ्रैंकलिन भैया आयरन मैन होगा कहाँ? अरे यार मेरे ख्याल से वो इधर ही कहीं आसपास होना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम हमें सिग्नल कहीं इधर ही से मिले थे। अरे फ्रैंकलिन भैया भगा लो गाड़ी को भगा लो। माय गॉड आयरन मैन सेफ होगा कि नहीं ये पता नहीं। भाई कलवे लोकेशन वोकेशन कुछ पता चल रही है? अरे हाँ एक सेकंड भाई, आयरन मैन के पास जीपीएस रहता है जिसका लोकेशन हम आसानी से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। वेट इधर ही कहीं होना चाहिए। अरे फ्रैंकलिन भैया मिल गया आयरन मैन। अरे एक सेकंड इसकी तो टीम आ रखी है भाई। ओ माय गॉड आयरन मैन की तो टीम आ रखी है गाइस आप लोग देख सकते हो। ओ भाई साहब ये तो सही में यार बहुत ही कमाल की चीज हो रही है। अरे फ्रैंकलिन भैया ये इसकी टीम क्या कर रही है? अरे भाई मेरे ख्याल से देखो गाइस आयरन मैन को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था बिकॉज आयरन मैन की सारी पावर्स इस खतरनाक वाले लावा गॉड ने जो है वो एब्जॉर्ब कर ली थी। इसलिए गाइस यहां पे आयरन मैन की टीम आई हुई है इसको रिपेयर करने के लिए। अरे भाई तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अरे हाँ यार थैंक यू। आयरन मैन को एक्चुअली काफी ज्यादा चोट लगी थी इसलिए हमने इसे अच्छे से रिपेयर कर दिया है और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े हमारी तुम बुला लेना फ्रैंकलिन। अरे थैंक यू गाइस। वैसे देखो आयरन मैन का सूट ही इतना एडवांस होता है भाई जैसी भी कोई भी दिक्कत आती है आयरन मैन की टीम अपने आप ही वहां पे वापस आ जाती है उसकी मदद करने के लिए। भाई इस टकलू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, ये लावा गॉड का बच्चा कुछ ज्यादा ही भाई खतरनाक बनने की कोशिश कर रहा है, मैं भाई आज तो इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे फ्रैंकलिन भैया पहले आयरन मैन को जल्दी से यहां से निकालते हैं और चलते हैं अपने आइस गॉड के पास, उसी से कोई आइडिया मांगेंगे। अरे हां जल्दी से आयरन मैन को लेकर चल। ठीक है गाइस चलो फटाफट से, अगर काम हो गया हो फिनिश तो मैं आयरन मैन को ले जाऊं। अरे हां बस एक मिनट और लगेगा उसके बाद सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है तुम लोग अपना काम करो। और भाई बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, हमारा आयरन मैन फाइनली ठीक हो चुका है और इसकी टीम जो थी वो भी जा चुकी है यहाँ से। तो आयरन मैन क्या तू रेडी है हमारे साथ चलने के लिए? अरे हाँ यार मैं यार काफी ज्यादा गुस्से में हूँ क्योंकि उस खतरनाक वाले लावा गॉड ने मेरी पावर्स बहुत ही गंदे तरीके से छीन ली थी। अरे यार भाई उसने तेरी पावर्स नहीं छीनी, उसने भाई खतरनाक वाले वेनम की भी पावर्स छीन ली है। मतलब देखो इसके सामने जो भी जाता है ना ये सबकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अरे फ्रैंकलिन अगर तू बोले तो मैं उसे अब धूल चटा दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई ये वाली गलती दोबारा से नहीं करनी, नहीं तो भाई वो फिर से तेरी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। चल फटाफट से गाड़ी में बैठ, हम लोग निकलते हैं और चलते हैं आइस गॉड के पास, क्या पता वो हमें कोई आइडिया दे दे। ठीक है मैं बैठ जाता हूँ गाड़ी में। चलो यार मैं तो बैठ चुका हूँ। अरे हाँ चलो फटाफट से निकलते हैं गाइस। चलो यार एटलीस्ट आयरन मैन तो मिला। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया मैं तो सोच रहा था भाई आयरन मैन मिलेगा ही नहीं। अरे यार मैं यार हमेशा तुम लोगों के पास ही रहता हूँ, तुम लोग यार टेंशन मत करा करो क्योंकि मेरी टीम जो है वो बहुत ही प्रो है, वो हमेशा मेरे को मुसीबत से निकाल ही लेती है। अरे हाँ अगर वो नहीं निकालती तो हम निकाल ही लेते, क्यों फ्रैंकलिन भैया? अरे हाँ बात तो सही है। चलो गाइस अब फटाफट से निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं अपने आइस गॉड के पास और भाई उसी से पूछेंगे कि भाई अब इन दोनों गॉड्स को हराने का क्या तरीका है। एक तरफ यार लावा गॉड है और दूसरी तरफ यार ये देखो लावा गॉड भाई कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है भाई। इसके दोनों हाथ में लावा की शक्तियां एकदम से ऐसे उबल रही है जैसे कि मानो ये पूरा का पूरा शहर ही तबाह कर दे। अरे फ्रैंकलिन भैया इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो फटाफट से निकलते हैं और आइस गॉड के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि आइस गॉड इस बार हम लोगों को क्या सजेस्ट करता है। भाई जल्दी भगा ले गाड़ी को। अरे हाँ क्या करूं यार चारों तरफ मौसम भी तो देखो बिल्कुल बारिश सा हो रखा है, चारों तरफ यहाँ पे पानी है। चलो कोई नहीं फटाफट से चलते हैं अपने आइस गॉड के पास। तो गाइस फाइनली हम आइस गॉड के पास पहुंच चुके हैं और आइस गॉड बहुत ही तगड़ा और ग्रेट न्यूज कि हमारा आयरन मैन काफी बढ़िया तरीके से सेफ है। अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। अरे हाँ बता यार आइस गॉड बता क्योंकि मेरे को कोई ना कोई आइडिया चाहिए क्योंकि देखो गाइस हमारा जो ये बहुत तगड़ा वाला वेनम था ये भी फाइट नहीं कर पाया क्योंकि इसकी सारी पावर्स उसने एब्जॉर्ब कर ली उस लावा गॉड के बच्चे ने और भाई हमारा आयरन मैन भी काफी बुरी तरीके से हार गया। मेरे ख्याल से हल्क को भेजना चाहिए क्या? अरे मेरे पास भी पावर्स नहीं है। अरे फ्रैंकलिन भैया हल्क तो ऑलरेडी डर गया। अरे हाँ ये तो सही में डरपोक है। अरे मैं डरपोक नहीं हूँ, बस मेरी पावर्स आज के लिए थोड़ी सी कम है। अरे यार मैं समझ गया तू यार जाना नहीं चाहता है, मेरे ख्याल से तू लावा गॉड से डर रहा है। अरे मैं नहीं डरता किसी से। अरे कोई बात नहीं गाइस। वैसे गाइस आप लोग तब तक आइडियाज वगैरह बताओ कमेंट सेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तब तक मैं भी अपना दिमाग चलाता हूँ और आइस गॉड तो हमें अभी प्लान बताएगा ही। भाई आइस गॉड तू ही प्लान बता, मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे फ्रैंकलिन तुम ध्यान से सुनो, तुम्हारे को एक टाइटन की जरूरत है यानी कि कोई आइस गॉड हो, मेरे अलावा कोई दूसरा आइस गॉड जो कि थोड़ा साइज में छोटा हो और जिसके पास वो खतरनाक से लावा गॉड दिखने जैसी शक्तियां हो। ऐसा कौन सा आइस गॉड हो सकता है गाइस? ऐसा तो आइस गॉड मैं नहीं जानता जो कि उसी पोजीशन में खड़ा हो जिस पोजीशन में वो लावा गॉड खड़ा है। तो तुम्हारे को एक ऐसा ही आइस गॉड चाहिए, उसकी मदद से तुम लोग उस लावा गॉड को सबक सिखा सकते हो। अरे यार मैं देखो
एक आइडिया दूं क्या? मेरे को तो यार कुछ आइडिया समझ नहीं आ रहा, तू ही बता दे आयरन मैन। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं एक बार उसको अच्छे से स्कैन करके आऊं कि आखिर वो लावा गॉड दिखता कैसा है, और पास से देखूंगा कि वो एक्चुअली में किस पोजीशन में खड़ा है। अगर हमारे को उसकी पोजीशन पता चल गई तो क्या पता हमारा शिनचैन ही ड्रॉ कर दे एक ऐसा आइस गॉड जो कि सेम पोजीशन में खड़ा हो जैसे कि वो लावा गॉड खड़ा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं लावा गॉड या फिर मैं आइस गॉड, मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। अरे यार तेरे को आइस गॉड ड्रॉ करना है ना कि लावा गॉड, लावा गॉड तो हमारे दुश्मन है। अरे हाँ हाँ बात तो सही है आयरन मैन। चलो यार तुम बोलो तो फ्रैंकलिन मैं फटाफट से जाऊं। जा, एक काम कर तू फटाफट से जाइयो, और भाई तू लावा गॉड के सामने मत जाइयो नहीं तो वो तेरी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है मैं साइड से चुपके से देख लूंगा कि उसकी पोजीशन क्या है, फिर वो पोजीशन में आके हमारे शिनचैन को बता दूंगा। उसके बाद शिनचैन ड्रॉ करेगा दुनिया का सबसे पावरफुल सबसे खतरनाक आइस गॉड जो कि सेम उसी पोजीशन में खड़ा होगा जैसे कि वो रेड वाला लावा गॉड खड़ा है। अरे हाँ हाँ जाओ जाओ तुम फटाफट से जाओ यार आयरन मैन। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं। चलो चलो चले चले। अरे वाह वेनम, वेनम को तो यार अब देख रहा हूँ मैं, उस वक्त से तो मैंने देखा ही नहीं। निकल जा मेरे सामने से। अरे भाई ये क्यों इतना ज्यादा गुस्से में आ गया? कोई बात नहीं यार देख लूंगा बाद में। अरे नहीं नहीं वो हमारा दोस्त है यार, दुश्मन नहीं। अरे हाँ मेरे को सब पता है लेकिन वो थोड़ा सा यार नक चिड़ा है। कोई बात नहीं यार वो हमेशा चिढ़ा रहता है, लेकिन हम देखेंगे कि अभी ये जो लावा गॉड है वो आखिर किस पोजीशन में खड़ा है। अगर इसकी पोजीशन पता चल गई तो मैं अपने शिनचैन को वो सेम पोजीशन बता दूंगा, उसके बाद शिनचैन भी उसी पोजीशन को ड्रॉ कर लेगा, और मेरे को यार चुपके से देखना पड़ेगा। गाइस इसके सामने नहीं जाना नहीं तो यार ये सही में मेरी पावर्स को दोबारा से छीन लेगा। देखो एक सेकंड, ठीक है ये एक ऐसे पोजीशन में खड़ा है जैसे कि इसके दोनों हाथों में कटोरियां रखी हों। आप लोग खुद ध्यान से नोटिस करना, मैं थोड़ा सा पास जाता हूँ। ये देखो थोड़ा इतना पास चलते हैं, ये देखो ऐसा लग रहा है दोनों हाथों से इसने कुछ पकड़ रखा हो, और एक टांग आगे है एक टांग पीछे है। मतलब हमारे आइस गॉड ने बोला है कि ऐसे ही पोजीशन में खड़ा हुआ एक दूसरा आइस गॉड चाहिए जो कि इसको ख़त्म कर सके। चलो पोजीशन तो मैंने देख ली है मैं। अरे एक सेकंड मैं एक काम करता हूँ ना, मैं क्यों ना एक फोटो भी खींच ही लूँ। इसकी फोटो खींचने से थोड़ा सा मैं शिनचैन को शो कर पाऊंगा। लेट्स गो फोटो खींच लेते हैं। फोटो कैमरा कहाँ है? ये रहा कैमरा। चलो कैमरा तो खुल गया है, अब फटाफट से जूम करते हैं और ये फोटो खींच गई। वाह क्या ही तगड़ी फोटो आई है। मेरे ख्याल से ये फोटो काफी रहेगी, शिनचैन को इस फोटो में सब कुछ दिख जाएगा। वेट मेरे ख्याल से ये फोटो थोड़ी सी गड़बड़ आई है। देखो मैं बीच में आ गया हूँ, इसकी पोजीशन पता नहीं चल रही। फटाफट से इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। ये डिलीट हो गई, अब मैं इसे दोबारा खींचने वाला हूँ। ये मैंने खींच ली और इस बार अच्छी फोटो आई है। चलो ये फोटो लेके चलते हैं शिनचैन के पास। अब आएगा मजा है जब हम लोग बनाएंगे दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक वाला एक आइस गॉड जो कि इन दोनों की बैंड बजा देगा। देखो देखो ये कैसे लावा गॉड हम लोगों को देख रहा है, और दूसरी तरफ ये ब्लैक गॉड का बच्चा जो कि भाई पत्थर की मूर्ति से ज्यादा कुछ है नहीं। चलो चलो फटाफट से चलते हैं अपने दोस्तों के पास। ये मैं पहुंच गया हूँ अपने दोस्तों के पास। वेट अब यहाँ पे अपनी लैंडिंग करते हैं। और भाई कैसे हो तुम लोग? अरे फ्रैंकलिन भैया ये देखो ये तो आ गया। अरे हाँ मैं भाई फोटो लेके आया हूँ, और अब ये फोटो मैं तेरे को दिखाने वाला हूँ, तू बस एक ऐसा ही आइस गॉड बना दे। ठीक है यार मेरे को फोटो दिखाओ आयरन मैन फटाफट से। तो चलो गाइस लेट्स गो। फाइनली मैंने फोटो भी देख ली आयरन मैन ने जो मेरे को दिखाई, और साथ में मैंने ड्रॉइंग करना भी स्टार्ट कर दिया। और वाह तू तो यार सही में बहुत ही ज्यादा छुपा रिस्तम निकला शिनचैन। अरे हाँ मैं तो यार सही में ग्रेट हूँ। अब देखना गाइस मैंने ड्रॉइंग तो अच्छे से देख ली है। यहाँ पे जो मेरे को ड्रॉइंग दिखाई यानी कि वो जो लावा गॉड है उसी के पोजीशन में मेरे को ब्लू वाला आइस गॉड बनाना है। दोनों मुट्ठियां इसकी बंद रहेंगी कुछ इस तरीके से। और भाई एक मुट्ठी तो तूने खोल दी। अरे एक मुट्ठी बंद है दूसरी खुली है, मैं ये कहना चाह रहा था। अरे ठीक है। अरे शिनचैन तू बस यार किसी की बातें मत सुन, फटाफट से अपने काम को कंप्लीट कर। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया मैं यार कंप्लीट ही कर रहा हूँ। देखो गाइस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको कंप्लीट भी कर लिया। और भाई तूने पूरा को पूरा बना दिया। अरे देख पूरा तो नहीं बना लेकिन अभी मैंने इसको काफी बढ़िया तरीके से आउटलाइन वगैरह जो है दे के रेडी कर दिया है। और यहाँ पे अभी देखो मैंने आउटलाइन को हल्का कर दिया, सामने की तरफ मैंने पहाड़ भी बना दिया गाइस। और ये देखो अब मैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर दूंगा। अरे वाह तू तो सही में बहुत अच्छे से बना रहा है। अरे थैंक यू हल्क। अरे हाँ ऐसे ही बनाता रहे, मैंने जो ड्रॉइंग और फोटो दिखाई है तेरे को उसी के हिसाब से। अरे हाँ वैसे तुमने तो फोटो दिखाई है यार आयरन मैन, ड्रॉइंग तो मैं बना रहा हूँ। अरे हाँ मेरे कहने का वही मतलब था। चलो गाइस ये देखो काफी बढ़िया तरीके से मैंने
यहाँ पे आउटलाइंस वगैरह कर दिए। आप लोग बताना कि गाइज आप लोगों को ये ड्राइंग कैसी लग रही है। अरे भाई मेरे को तो सही लग रही है, क्या पता ये रियल लाइफ में आ जाए। अरे जरूर आएगा गाइज, ये वाला आइस गॉड जरूर आएगा। सबसे पहले जो आगे के पहाड़ हैं इनमें कलर कर देते हैं। अरे वाह शिनचैन तू तो यार सही में बहुत अच्छे से कलर कर रहा है, इसी तरीके से कलर करते रहे। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया कलर वलर तो कर देंगे गाइज, अभी देखो आइस गॉड के अंदर भी तो कलर करना। अरे भाई पिंक कलर कर। अरे पिंक थोड़ी ना होता है यार, तेरे को समझ भी नहीं आता, हमारा चॉप सही में अभी भी घोंचू ही रह गया। इसको देख एक पत्थर का बनाना है। अरे भाई पत्थर वाला गॉड बना रहा है यानी कि ब्लैक गॉड। अरे नहीं ब्लैक गॉड नहीं है, आइस गॉड है। अभी पहले इसको बेसिक कलर देंगे यानी कि ब्लैक कलर दे दिया। अब इसमें डालेंगे वो खतरनाक ब्लू वाली पावर्स यानी कि वो आइस वाली पावर। अरे हाँ शिनचैन अब फटाफट से बहुत सारे स्ट्राइप्स बना दे, वो खतरनाक बिजली सी शक्तियां डाल दे। अरे हाँ देखने में तो यार ये बिजली की शक्ति लगती है लेकिन होता ही आइस है। देखो गाइस काफी सारा मैंने यहाँ पे आइस वाला ये पैटर्न बना दिया। अरे भाई काफी बढ़िया लग रहा है। अरे हाँ ये देखो अब लग रहा है ये थोड़ा बहुत ब्लू गॉड। अरे भाई तूने तो सही में काफी अच्छे से बनाया इसे। अरे ऐसे ही बनाता रहे यार, तू सही में कमाल कर रहा है। अरे थैंक यू यार आयरन मैन। ये देखो गाइस अब मेरे ख्याल से ये वाला आइस गॉड एक बार जब सामने आ जाएगा तब उस लावा गॉड की बैंड ही बजा देगा, क्यों फ्रैंकलिन भैया? अरे हाँ मैं भी यार यही उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि देख हमारे जो ये अभी यहाँ पे जो खड़ा है ना आइस गॉड, इसने बताया था कि ये वाला दूसरा जो आइस गॉड होगा वो काफी शक्तिशाली होने वाला है, उसकी बैंड ही बजा देगा लावा गॉड की। अरे फ्रैंकलिन भैया देखो काफी बढ़िया तरीके से मैंने इसमें कलर वलर कर दिया है, इसको थोड़ा सा ब्लू बना देते, ब्लू भी कर दिया मैंने, और इसमें मैंने बाकी भी जितने भी हाइलाइट्स वगैरह थे वो भी दे दिया। अरे भाई शेडो बना रहा है क्या अब तू? अरे हाँ फाइनल मैं यहाँ पे शेडो वेडो लगा रहा हूँ जिससे कि ये 3D लुक में काफी बढ़िया लगे। और ये देखो अभी ये काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है, 3D लुक भी आ चुका है और गाइस अब ये फाइनली हो चुका है रेडी। अब देखते हैं, चलो 3, 2, 1 लेट्स गो। अरे फ्रैंकलिन भैया ये देखो ये तो यार बिल्कुल सेम टू सेम बन के निकल के सामने आ गया। अरे हाँ सही बात है यार, ये तो बिल्कुल सेम लग रहा है जैसे तूने ड्रॉ किया था वैसा ही है। अरे फ्रैंकलिन भैया वैसे मैं देखो थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे आयरन मैन को। अरे यार मैं कुछ इतना भी खास नहीं। अरे हाँ आप ही ने तो यार वो फोटो क्लिक करके हमारे को दिया था। अरे हाँ बात तो सही है, मैंने यार सेम फोटो दी थी जैसा हमारे आइस गॉड ने बोला था। अरे आइस गॉड क्या ये दूसरा वाला आइस गॉड बिल्कुल परफेक्ट है? अरे हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, अब तुम फटाफट से इसको वो सारे काम बता दो, उसके बाद देखना जादू। अरे वाह लगता है अब तो ये सारे के सारे यहाँ पे जितने भी लावा गॉड्स वगैरह हैं उनको खत्म कर देगा। अरे हाँ मेरे को भी ऐसा लगता है। अरे हाँ मेरे को भी ऐसे लगता है वैसे। चलो देखते हैं अब हम बता देते हैं इसे करना क्या है। अरे मुझे किसने बुलाया, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ जल्दी। अरे यार तुम्हें मैंने बुलाया है, मेरा नाम है शिनचैन और हमारे ऊपर यार बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत आ चुकी है। तुम अपने पीछे देखोगे तो तुम्हारे को एक बहुत ही खतरनाक सा रेड लावा गॉड दिखेगा, उसी ने यार हमारे को सही में काफी परेशान कर दिया है। क्या बोला रेड लावा गॉड? मेरी भी बहुत सालों से उससे दुश्मनी है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है वो? अरे वो तुम्हारे बिल्कुल पीछे है। अरे ठीक है और कुछ करवाना है तो जल्दी बताओ। अरे नहीं बस इतना ही काम था। बस इतने से काम के लिए तुमने मुझे बुलाया? अरे वाह लगता है आज तो यार उस रेड वाले लावा गॉड का काम तमाम हो जाएगा, क्यों फ्रैंकलिन भैया? अरे हाँ बात तो सही है यार, लेकिन क्या वो रेड वाला लावा गॉड इतनी जल्दी हार मान लेगा? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। अरे तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं कितना पावरफुल हूँ। अरे यार वो सब तो हमें पता ही है। और एक और दिक्कत है। कौन सी दिक्कत? तुम्हारे सामने तो मेरे को कोई भी दिक्कत दिख नहीं रही। अरे यार हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर तुम अपने बगल में देखोगे तो तुम्हारे को एक बंदा दिखेगा। मेरे बगल में कौन है? अरे यार वो टकलू। हाँ ये कौन है? ये है ब्लैक गॉड, यानी कि ये पहले एक लावा गॉड था और जैसे ही हम लोगों ने इसकी पावर्स को अब्सॉर्ब किया यानी कि हमारे दूसरे आइस गॉड ने इस वाले ने, तो ये एक पत्थर की मूर्ति से ज्यादा कुछ बन के रह नहीं गया, मतलब अब ये ब्लैक गॉड है। क्या बोला ब्लैक गॉड बन चुका है? वाह तब तो हम इस ब्लैक गॉड के अंदर कोई भी पावर्स डाल सकते हैं, यानी कि हम इसे येलो गॉड, ग्रीन गॉड या फिर जो भी कलर तुम सोचो उस कलर की शक्ति इसे हम दे सकते हैं। अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है फ्रैंकलिन भैया, मेरे को तो यार कुछ नया पता चला। अरे हाँ मेरे को पता नहीं था कि यार हम ब्लैक गॉड यानी कि इस वाले ब्लैक गॉड के अंदर कोई भी शक्ति डाल सकते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं समझ गया, जैसे ही इसकी सारी की सारी शक्ति खत्म हो गई यानी कि अब्सॉर्ब कर ली हमारे आइस गॉड ने, इसके पास सिर्फ एक ब्लैक कलर बच गया। अब इस ब्लैक कलर के अंदर हम कोई भी पावर्स डाल सकते हैं और किसी भी कलर का गॉड बना सकते हैं। अरे हाँ बात तो सही है। अरे फ्रैंकलिन भैया आप फटाफट से इसे बता दो, आप ही बता दो करना क्या है। देख आइस गॉड तुम्हें करना क्या है कि तुम्हारे पीछे जो लावा गॉड है बस उसे सबक सिखाना है और उसके बाद उस लावा गॉड को पता चल जाएगा कि भाई हमसे पंगा लेने का
क्या मतलब होता है? अरे ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि आखिर वो लावा गॉड चीज क्या है, मैं उसको यूं खत्म कर दूंगा। अरे 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 मैं नीचे ना गिर जाऊं। चलो ठीक है आइस गॉड, तुम फटाफट से जाओ और उसकी बैंड बजा दो। तो ये लो अब मैं चला, मैं जा रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो जाने लग गया। अरे हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं दिखा देता हूँ इस रेड गॉड को कि मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। अरे कहाँ है लावा गॉड, इधर आ। अरे यार वो तो सामने ही है। अरे हाँ अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ये कौन आ गया? मेरा नाम है आइस गॉड, नाम तो सुना ही होगा तूने। अरे फ्रैंकलिन भैया अब देखना, अब होने वाली है तगड़ी वाली फाइट। अरे हाँ अब आएगा मजा गाइस, देखो अब भाई उसको समझ आएगा कि उसके बराबर का एक आइस गॉड आ चुका है जो कि उसकी बैंड बजाने वाला है। अरे गाइस अब एक काम करो, फटाफट से जाओ जाकर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी बात पे अब होने वाली है खतरनाक सी फाइट जिसका मैं काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, बहुत मजा आएगा। अरे हाँ गाइस फटाफट से जाओ 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 फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। अरे फ्रैंकलिन भैया अब क्या होगा? पता नहीं यार क्या होगा, देखते हैं गाइस देखते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे को तो लग रहा है कुछ ना कुछ अनोखा होने वाला है। अरे अब देख मेरी शक्तियां। अरे वो देखो वो तो घूमने लग गया। अरे मेरे ख्याल से तो कुछ होने वाला है। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा आइस गॉड जीतेगा, मैं भी तुझे सपोर्ट कर रहा हूँ आइस गॉड। अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे फ्रैंकलिन भैया पीछे से हमारा वेनम भी सपोर्ट कर रहा है। अरे आज मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मेरे सामने आखिरकार आइस गॉड आ ही गया, अब मैं अपनी शक्तियाँ दिखाता हूँ तुझे। कौन सी शक्तियाँ है तेरे पास लावा गॉड? खतरनाक लावा की शक्तियाँ, पहचाना नहीं क्या मुझे? हमारी लड़ाई और हमारी फाइट थी आज से 150 साल पहले उस लावा प्लेनेट पे। अरे हाँ मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, और मैं अपनी गलती को दोहराऊंगा नहीं। उस वक्त मैंने तुझे खत्म नहीं किया था इसलिए तू जिंदा बच के वापस लौट के आ गया। अब मैं तुझे दोबारा खत्म कर दूंगा जैसे मैंने पहले खत्म किया था। पहले तो मैंने तेरे को खत्म किया था, क्यों झूठ बोल रहा है? आज मैं तेरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अब देख मेरी पावर, 3 2 1। ये है खतरनाक मीटियोर की पावर, खतरनाक लावा की शक्ति जो कि तेरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। ये देख लावा, लावा के फायरबॉल्स जिसका इस्तेमाल मैं तेरे ऊपर करने वाला हूँ। अब तू बचेगा नहीं, इसके बाद तू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरी आंख में भी खतरनाक लावा की पावर है। अरे इसी पावर से तूने मुझे लास्ट टाइम डराने की कोशिश की थी, मैंने अपने आप को इतना ठंडा बना लिया है इतना कि इन लावा और इन मीटियोराइट्स का असर मेरे ऊपर नहीं होता है। क्या बोला? मीटियोराइट्स का असर तेरे पे नहीं होगा? एक सेकेंड, तूने मेरे को भी ठंडा बनाना स्टार्ट कर दिया, मेरे को जमाना स्टार्ट कर दिया है, छोड़ूंगा नहीं। अब मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तूने यानी कि लावा गॉड ने मुझे खतरनाक सी मीटियोर की शक्ति दिखाई, अब मैं दिखाता हूँ खतरनाक स्नो की शक्ति। अब यहाँ पे खतरनाक आंधी तूफान आएगा, वो भी स्नो से भरा हुआ। नहीं नहीं ऐसा मत कर, मेरी लावा की शक्ति कम हो जाएगी। अरे फ्रैंकलिन भैया लगता है उसके लावा की शक्ति कम हो रही है। अरे हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है गाइज, ओ माई गॉड अब आ रहा है मजा। उस लावा गॉड की बैंड अब बजेगी गाइज, वो कितने दिनों से हम लोगों को परेशान कर रहा था। है नहीं ऐसा मत कर। अरे तो तूने बोला था ना कि तू मेरी शक्तियां देखना चाहता है, ये देख इतनी खतरनाक खतरनाक स्नो गिराऊंगा कि जिससे तेरी सारी की सारी लावा की शक्ति खत्म हो जाए। नहीं नहीं बचाओ, ये क्या कर रहा है, बचाओ। ये देख लावा गॉड, मैंने पूरे शहर को बर्फ से ढक दिया है और तू भी अब आधा बर्फ से ढक चुका है। नहीं नहीं ये क्या किया? अरे मेरे एक हाथ की लावा की शक्ति कहाँ गई? अरे नहीं बचाओ, ये क्या कर रहा है? क्यों इतने देर में ही हवा निकल गई तेरी? नहीं शक्तियाँ मेरे पास अभी भी है। मैं दिखाता हूँ अपनी शक्ति, अब ये देख खतरनाक हीट की शक्ति। मुझे लगा मेरी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं लेकिन ऐसा नहीं है। ये तेरा रंग भी बदल दिया मैंने, तू नीले से बदल कर बन गया हरा। ये क्या हो रहा है? अरे नहीं मेरी शक्तियाँ कम हो रही है, इसके पास इतनी सारी शक्तियाँ आई कैसे? क्यों अब निकल गई तेरी हवा? इन लोगों ने सोचा था कि ये लोग मेरे को डरा के भगा देंगे, मेरी शक्तियाँ खत्म कर देंगे, लेकिन इनको क्या पता है कि मेरे पास वो खतरनाक लावा रॉक है। क्या बोला? लावा रॉक तेरे पास कैसे आया? अरे नहीं बचाओ मेरी शक्तियाँ।
ये हीट इतनी ज्यादा है कि तेरे जैसे खतरनाक आइस गॉड की सारी शक्तियों को सोख ले। अरे नहीं, मेरा रंग भी चेंज हो गया। बचाओ, मेरा रंग भी ब्लू से सीधा ग्रीन हो गया। क्यों, अब पता चल रहा है मेरे पास जो शक्ति है उसका सामना कोई नहीं कर सकता, तेरी वो आर्मी भी नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये देश और ये दुनिया मेरी है, मेरे हवाले कर दो और मुझे उस ब्लैक गॉड के अंदर भी खतरनाक शक्ति भरने दो। और वो मेरा भाई है, मैं उसे भी खतरनाक ईवल लावा गॉड में बदलूंगा वापस से। अरे ऐसा नहीं हो सकता, मेरी टीम और मेरी आर्मी तेरे को छोड़ेगी नहीं, देख लियो तू बच नहीं सकता। ऐसा नहीं होगा, मेरे पास जब तक वो रेड लावा स्टोन है तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब देख क्या करता हूँ तेरे साथ। अरे नहीं, ये क्या कर रहा है, ये तो मेरे को नीचे गिरा रहा है। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, ये क्या हुआ हमारे आइस गॉड के साथ। क्यों, अब आई अकल, अब मैं दिखाता हूँ मैं क्या करूँगा। ये देख, अब तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अरे नहीं, बचाओ मेरे को, कोई तो बचाओ। तेरे दोस्त अब तेरे पास नहीं आ पाएंगे, मेरे जैसे खतरनाक लावा गॉड से लड़ना यानी कि हमेशा हमेशा के लिए मारा जाना है और खत्म हो जाना। ये ले और हीट कर दूंगा। अरे नहीं बचाओ, तू तो बहुत ज्यादा हीट फैला रहा है, बहुत सारी हीट फैला रहा है, बचाओ। ये ले, तूने बोला तो मैंने हीट खत्म कर दी, यानी कि अब गर्मी तुम लोगों को नहीं लगेगी, लेकिन तू अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं नहीं बचाओ, मुझे लगा था मैं तुझे आसानी से खत्म कर पाऊंगा, लेकिन तेरे पास तो वो लावा स्टोन है, लावा स्टोन नहीं होता तो मैं तुझे छोड़ता नहीं। लावा स्टोन को भी तो हासिल करना अपने आप में बहुत चुनौती का काम था, उसे मैंने 10 प्लेनेट से जीता है, 10 प्लेनेट पर कब्जा करने के बाद वो लावा स्टोन मेरा हो सका है। अरे तब तो मैं तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ, मेरी टीम तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, मेरी आर्मी तेरे को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगी, क्योंकि तूने 10 प्लेनेट को बर्बाद कर दिए हैं और अब तू पृथ्वी पर आया है, लेकिन हमारी आर्मी तेरे को छोड़ेगी नहीं। तुम्हारी फ्रैंकलिन की आर्मी और वो नकली सुपर हीरोज की आर्मी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मजा आ गया, मेरे को कोई नहीं हरा सकता और अब मैं कुछ दिनों में ब्लैक गॉड को भी जिंदा कर दूंगा, वो भी मेरे साथ हो जाएगा। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, अब क्या करें, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। भाई कुलवे कुछ तो बता। अरे यार मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, ये तो सही में कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकला। हम लोगों ने यार आइस गॉड को ड्रॉ किया जो कि काफी पावरफुल था, लेकिन गाइज ये भाई और भी ज्यादा पावरफुल निकला। ये देखो गाइज, वो तो भाई आइस गॉड की बॉडी के ऊपर ही खड़ा हो गया। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे यार आइस गॉड आप ही बताओ अब हम क्या करें। अरे हाँ बात तो सही है, मेरे को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यार आइस गॉड तुम ही बताओ कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि यार तुमने ही बोला कि भाई हम लोगों को एक नया वाला आइस गॉड बनाना चाहिए। हम लोगों ने बनाया लेकिन भाई वो वाला आइस गॉड बिल्कुल भी उसके सामने टिक नहीं पाया। अरे 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 भाई मेरे को तो एक अंधेरे में दिख नहीं रहा और ऊपर से यार मैं नीचे भी गिर गया। कोई बात नहीं, फटाफट से यार आइस गॉड फटाफट से कुछ ना कुछ बता भाई मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे मैं भी तुम्हारी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, वो रेड लावा गॉड उस आइस गॉड को हराने में इसलिए सक्षम यानी कि केपेबल हो सका बिकॉज वो वाला आइस गॉड जो है उसके पास स्टोन की शक्तियां नहीं थी, लेकिन उस लावा गॉड के पास स्टोन की शक्तियां हैं। अरे वो तो सही है, स्टोन की शक्ति है मतलब लावा स्टोन की शक्ति, हाँ इसी वजह से उसे हराना मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक बात बताओ, क्या वो लावा गॉड तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, मतलब तुम्हारे को भी तो वो हराने के लिए आ सकता है। मेरे को वो नहीं हरा सकता क्योंकि मेरे पास खतरनाक लावा की शक्ति है जो कि मुझे काफी स्ट्रांग बनाती है, लेकिन मैं अब एक से ज्यादा लावा गॉड्स की पावर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। मैंने ऑलरेडी उस एक लावा गॉड यानी कि उस ब्लैक गॉड की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है और मेरी शक्तियां अब एब्जॉर्ब करने नहीं देंगी मुझे, इसलिए मैं उससे फाइट नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मैं उसे एक ही दिन में हरा देता। अच्छा मैं समझ गया गाइस, मेरे ख्याल से आप लोग भी समझ गए होंगे, क्योंकि देखो सबसे पहले ना हमारे प्लेनेट
पे दो लावा गॉड्स आए थे। मैं आपको थोड़ा सा रीकैप दे देता हूँ, अगर आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखो अभी आप लोगों को एक ये वाला लावा गॉड दिख रहा होगा जिसने भाई अभी नए वाले आइस गॉड की बैंड बजा दी है। वैसे कोई बात नहीं, हम अपने आइस गॉड को छुड़ा लेंगे। और देखो पहले ये वाला लावा गॉड था, तो भाई इस वाले लावा गॉड की सारी पावर्स एब्जॉर्ब करने के बाद हमारा आइस गॉड लावा में थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया, मतलब इसके पास लावा की शक्तियां भी आ गई। लेकिन अब ये दूसरे वाले लावा गॉड की पावर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, नहीं तो यार इसकी खुद की पावर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। देखो आप इसके पेट पे देख सकते हो काफी सारी लावा की शक्तियां हैं जो कि इसने एब्जॉर्ब की हैं। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला, अब मैंने एक भी एक्स्ट्रा लावा गॉड की पावर एब्जॉर्ब की तो मेरी खुद की शक्तियां भी चली जाएंगी और तुम लोगों के पास कोई भी ठिकाना बचेगा नहीं, इसलिए मैं यहां से बिल्कुल भी हिल नहीं रहा हूं। और गाइस इस वाले आइस गॉड पे वो लावा गॉड इसलिए भी हमला नहीं करेगा क्योंकि ये वाला आइस गॉड थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है और वो वाला आइस गॉड फिर हार सकता है, इसलिए भाई वो इस पे हमला नहीं कर रहा। लेकिन हमारा आइस गॉड भी यार थोड़ा दिमाग लगाएगा। क्यों आइस गॉड? मैं सोच ही रहा हूं, मेरे को थोड़ा और सोचना पड़ेगा, सोचने का टाइम दो, तब तक तुम भी जाओ और दिमाग लगाओ। अरे हाँ गाइस मैं भी तब तक कुछ ना कुछ सोचता हूँ। एक काम करो गाइस, आप लोग भी कुछ ना कुछ दिमाग लगाओ, बिकॉज देखो हमें इस ब्लैक गॉड के सिर में एंट्री लेनी है किसी भी तरीके से, लेकिन वो लावा गॉड हमें एंट्री लेने नहीं देगा। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हम थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। शिनचैन के पास मैजिकल पेंटिंग यानी कि मैजिकल ड्राइंग की शक्तियां हैं, मतलब शिनचैन हमारा कोई भी ड्रॉ वगैरह करता है कुछ भी, तो वो हमारी रियल लाइफ में जो है वो आ जाती है वो चीज़। जैसे कि आज हमारे शिनचैन ने बनाया एक आइस गॉड जो कि रियल लाइफ में आ गई थी। अरे फ्रैंकलिन भैया कोई यार उपाय, कोई सॉल्यूशन मिला? अरे सॉल्यूशन तो नहीं मिला, लेकिन हम कुछ सोचेंगे गाइस, तब तक आप लोग भी कुछ सोचो। और देखो पीछे हमारा वेनम कैसे मौज में खड़ा है क्योंकि यार उसे पता है कि वो तो किसी काम का है नहीं। अरे काम का हूं मैं, कल दिखाऊंगा। अरे ठीक है चलो गाइस, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप लोग भी कुछ आइडिया निकालो, हम लोग भी आइडिया निकालते हैं। और हम लोगों को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना और ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी फटाफट से दबा देना। चलो गाइस मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।